नमस्कार भाई लोग, स्वागत है। तो आज हम लिनक्स में विंडोज़ इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले विंडोज़ का ISO डाउनलोड कर लेंगे। ISO डाउनलोड करने के विंडोज़ के ऑफिशियल वेबसाइट से ISO डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ इंटरनेशनल सेलेक्ट करना है और 64 बिट का ISO डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर हम कैंसिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। उसके बाद वर्चुअल बॉक्स खोलेंगे, उसके बाद एक नया मशीन क्रिएट करेंगे। नाम मशीन का होगा विंडोज़, और विंडोज़ 32 64 बिट, विंडोज़ 10, और डिफ़ॉल्ट रहने देंगे रैम और VDI। उसके बाद विंडोज़ नाम और इसका फोल्डर लोकेशन जहाँ पे आप फाइल सेव करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्रिएट कर देंगे। और उसके बाद अभी स्टार्ट करने का कोशिश किए लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर से स्टार्ट उसमें कुछ सेटिंग वेटिंग करेंगे, जैसे कि अभी रैम उतना ही रहने देंगे, प्रोसेसर 2 कर देंगे, और 3D ग्राफिक्स एक्सेलरेशन, हार्डवेयर एक्सेलरेशन इनेबल कर देंगे 3D। उसके बाद ISO सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग बेसिकली ऑडियो ऑडियो सब ठीक लग रहा है, उसके बाद हम बेसिकली स्टार्ट कर देंगे मशीन। मशीन हो जाएगा स्टार्ट हमारा, और ये हो गया हमारा मशीन स्टार्ट, और मशीन ये तो हो गया हमारा वर्चुअल बॉक्स। उसके बाद हम बेसिकली यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ हमारा जो है सो कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट या फिर इंग्लिश इंडिया, ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किए हैं। और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। इसके बाद हम लोगों को करना है बेसिकली सेलेक्ट करना है वर्जन। यहाँ पे हम विंडोज़ 10 64 बिट एजुकेशन, विंडोज़ 10 प्रो एजुकेशन सेलेक्ट किए हैं। कस्टम इंस्टॉल पे जाएंगे, यहाँ पे नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे, और लेडी ऑटोमेटिक ये 2 पार्टीशन क्रिएट कर देगा। उसके बाद ये कॉपी करना शुरू कर दिया। ये तो हो गया विंडोज़ 10 ऑन लिनक्स, ठीक है। ऐसे ही आप विंडोज़ 10 और विंडोज़ 10 का भी कर सकते हैं अगर वर्चुअल बॉक्स है तो। और अगर आप रियल सिस्टम पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स पता होगा कि आपको बूटेबल USB बनाना है। बूटेबल USB बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रूफस डाउनलोड करना है, और रूफस में आपको जो ISO है उसको बर्न कर लेना है, और उसके बाद वो बेसिकली जो बर्न हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसको प्लग करके और अपने USB में उसके बाद सिस्टम ऑफ करके और उसके बाद पावर बटन दबाएंगे तो F12 डेल के केस में, या फिर अगर कोई और सिस्टम है तो एस्केप या फिर F11 या F9, इसी में से कोई एक की होता है, डेल के केस में F12 दबाएंगे, उसमें वहाँ पे बूट करेंगे USB से बूट करेंगे तो ऐसा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और एकदम सिंपल है। और उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा हो ही रहा है बस।
तो हमारा विंडोज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है और इट दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स. बोले जा रहा है. स्टार्ट हो गए. 1 2 3 ये गो. लीव एवरीथिंग टू अस. ओके जल्दी से स्टार्ट हो जाए. मेरे दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी. अगर इस जगह पे हम पीसी टर्न ऑफ कर दें तो क्या होगा. तो हमारा सिस्टम खुल गया है अभी. अभी कुछ इधर उधर करके देखते हैं कुछ है या नहीं. पहले तो रिफ्रेश बनता भाई. देखिए टास्क मैनेजर सॉरी क्या बोलते हैं स्मूथ काम कर रहा है. सब कुछ खुल रहा है. सेटिंग वेटिंग खुल रहा है और हम लोग उसके सिस्टम में गए. और पर्सनलाइजेशन अभी डिजेबल होगा क्योंकि ऑफकोर्स ये जेन्युइन विंडोज 10 नहीं है. मतलब है जेन्युइन लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है. राइट तो इसके बाद सब कुछ टनाटन चल रहा है. सर्च करते हैं टास्क बार और टास्क मैनेजर में देखते हैं क्या चल रहा है. एकदम टनाटन अभी 100% सीपीयू यूज़ कर रहा होगा क्योंकि अभी बेसिकली इंस्टॉल हुआ है ना. तो अभी फ़िलहाल कुछ समय तक 100% यूज़ करेगा. ऐसे कुछ इंस्टॉल करना हुआ इसको ड्राइवर तो करेगा. और अभी टनाटन चल रहा है एकदम हमारा सब कुछ. और विंडोज 10 बहुत हैवी ओएस है. राइट तो हम प्रेफर करते हैं मेन ओएस को एज ए लिनक्स और बाकी अपना विंडोज 10 जो है ही. विंडोज 10 बहुत हैवी ओएस है यार. ऐसा नहीं है कि मेरे सिस्टम में विंडोज 10 नहीं चलता है डायरेक्टली स्मूथली. एकदम स्मूथ चलता है मेरे सिस्टम पे विंडोज़. लेकिन हमको जो एक एक रत्ती वाला परफॉर्मेंस का जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है.